हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज सागर कुमार बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो भी आपको मैं दिखाता हूँ टाइम हो रहे हैं 12:13। तो 12:13 पे हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। है तो अगला दिन ही, इसलिए हम वापस स्टार्ट करेंगे। बस आज का दिन दिखाएंगे आपको कैसे क्या जाता है। बाकी अभी भी हुई है जस्ट बारिश, बहुत बढ़िया वाली, बहुत महीनों बाद हुई है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बस हम नहा नहीं सके उसके अंदर। की वाला मैंने व्लॉग इसलिए भी स्टार्ट किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बारिश वगैरह यहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ है पीछे, क्योंकि वो सुबह तक तो कल तक तो सूख जाता है। इसलिए अभी मैंने सोचा था कि ये अभी दिखा दूँ आपको। बाकी हवा वगैरह बहुत बढ़िया चल रही है, मन कर रहा है यहीं पे सो जाएं, पर सो नहीं सकते क्योंकि हमारा घर है, घर हमारा पीछे है वहाँ पे, और हम यहाँ पे रात को कर रहे हैं व्लॉगिंग, यहाँ पे कोई नहीं देख रहा, तो कल भी करेंगे हम। तो बाकी हमने ये जुगाड़ लगा के वीडियो बना रहे हैं वो आपको मैं दिखाऊँगा, मतलब आज की सुबह को दिखाऊँगा कि ये हम किससे बना रहे हैं व्लॉग वगैरह। और ये बैक कैमरा से बन रहे हैं, तो आप ये बताना कि फ्रंट का कैमरा से क्वालिटी बढ़िया आती है या फिर बैक कैमरा से, ठीक है। बाकी इसका एंगल वगैरह बहुत मुश्किल से चल रहा है, पता नहीं चल रहा कि मैं खुद आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, वो तो बाद में देखने में पता चलता है। कि यार आपने पिछली वाली जो वीडियो थी उसके ऊपर आपने कमेंट करके नहीं बताए थे कि मेरे ऊपर जो है फेस के ऊपर ये वाली शेप बढ़िया लगती है या फिर जो यहाँ से मैंने रख रखी थी वो वाली शेप बढ़िया लगती है। तो पहले मैंने यहाँ पे भी रख रखी थी, क्योंकि मेरे ढंग से आती नहीं इसलिए मैंने इतनी रखी थी वो ही पहले भी। तो आप बताना ये वाली बढ़िया लगती है, वो वाली बढ़िया लगती है, और थोड़े कमेंट वगैरह कर दिया करो यार, दिल से बुरा लगता है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। गाइस अभी हुई है सुबह, और ये जो ट्राईपॉड था, ठीक है, जो मेरे पास पड़ा था वो भी मैं किसी को मांग के लाया था, तो इसके ऊपर से हमने ये हटा लिया है। अब इसके ऊपर फ़ोन लगा के और फिर इसको ऐसे पकड़ के, इसको ऐसे पकड़ के और फिर ऐसे व्लॉगिंग कर सकते हैं हमने, तो इससे करूँगा आज से मैं व्लॉगिंग। गाइस अभी हम जा रहे हैं इसके साथ, जा रहे हैं वो लड्डू जा रहे हैं वो पीछे, ना छाया ना कोई बात, मौसम हो रखा है एकदम जहर, कतई जहर हो रखा है एकदम। ये तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं ITI, वो भी धक्के खाने यहाँ पे। ये भाई यहाँ पे पता नहीं कौन है, ये बस नाम नहीं जानते हम, और ये हमारी ITI पीछे देख लो, खड्डे खोदे हैं। ये रहा भाई, इस नाम क्या जरा? राधे श्याम। बाकी हमने पहली बार नाम सुना इसका। तो गाइस ये पहुंचे हैं मेरे क्लास में, और ठीक है, और ये लंडूर आए हैं हमारे, अभी जो भी है सामान सोता, ये नए हमारी क्लास के, और ये हमारी क्लास में कितने दिनों बाद प्रवेश हुआ। गाइस इसके अंदर ITI का चूहा दिखा, ये चूहा दिख रहा है, ये पूरा जिंदा है। अभी हम लोग इसको छोड़ने जाएंगे, इसको अपना आजाद करने जाएंगे, इसको मारेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे। कर दे खोल दे बाजियो, हो गया आजाद। तो पहले उसने हमें तंग किया था, अब वो लोगों को तंग करेगा। तो गाइस ये हमारी डीजल मैकेनिकल की ट्रेड, और यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है, और ये मच्छर है, इसका नाम अकालिया, बाकी नाम हमें पता नहीं कोई, हमारा रोडिया, इसके बाल नहीं है, और ये टोपी तक रोडिया है यार। तो गाइस अभी हम पहुंच गए घर पे, ITI वगैरह सब कुछ जाके, और अब हमारा खाना खाने का मन नहीं है, तो हम बनाएंगे मैगी, दिखाते हैं आपको। ये हमने काट लिए टमाटर और प्याज, और ये हरी मिर्च, इसको हमने चढ़ा दिया गैस के ऊपर। अब इसका जो पानी है वो सुखा के इसमें डालेंगे तेल, या फिर अगर आपको देसी घी डालना तो वो डाल लीजिए। तो अभी हमने इसके अंदर डाला तेल, और अभी हम डालेंगे इसके अंदर देसी घी, तो इसको दोनों करेंगे मिक्स। तो इसके अंदर अब डाल दिए हमने जीरे, अब इसको हम पूरा उबालेंगे काले होने तक, और उसके बाद हम डाल देंगे ये जो भी है, इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये काले ना हो जाए, एकदम बर्न आ जाएगी, जो भी इसका मसाला है उसको पूरा हम बाड़ेंगे, फिर उसके अंदर हम करेंगे मसाले, वो मसाले दिखाएंगे आपको। तो ये पूरा अच्छी तरीके से मसाला बढ़ रहा है इसके अंदर, धुएँ में धुएँ निकल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको फुल एकदम फ्राई हो रहा है, ये वीडियो चक्कर के अंदर ये पूरा नीचे चिपक गया, डालेंगे पानी, और ऊपर से डालेंगे हम ये हरी मिर्च, और फिर डालेंगे हम ये लाल मिर्च, इतने डालेंगे हम, इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली सॉस, ये रही चिली सॉस, अब ये डालेंगे हम इसमें इतने की, और उसके बाद में हम डालेंगे ये और मसाले, जितने ही आपके घर में मसाले वो डाल दो सब आप, सब डाल दिए। अब डालेंगे इसमें नमक, फिर डालेंगे हम इसमें काला नमक, अब इसके अंदर डालेंगे हम ये गरम मसाला, उसके बाद हम डालेंगे ये चाट मसाला, उसके बाद हम डालेंगे ये मैगी मसाला इसके अंदर, फिर इसको अच्छे से हिला देंगे हम, तो ये चिपक गया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको हिला देंगे अच्छे तरीके से। तो ये मसाला तो हमारा जल गया वीडियो के चक्कर में,
फिर भी हम इसको खाएंगे क्योंकि बनाई है हमने। तो मसाला पूरा पकने के बाद हम इसमें डालेंगे ये पानी बस इतना सा, उसके अंदर हम टेक देंगे ये मैगी ऐसी की ऐसी, तो उसके अंदर हमने डाल देंगे मैगी का चूरा। अगर आपको इसके अंदर सूप चाहिए तो आप इसको ढक दो, अगर आपको इसके अंदर सूप नहीं चाहिए तो इसको ऐसी पड़ी रहने दो। तो ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 2 मिनट, तो 2 मिनट का तो इसके अंदर कोई सीन ही नहीं है, ये पागल है जो ऐसे 2 मिनट लिख देते हैं अपनी मैगी को बेचने के लिए, और हम पागल होते हैं वो खरीद लेते हैं इनको, तो आप मत खरीदिएगा इनको, ये फालतू चीज़ है, कोई कुछ नहीं है, मैगी मत खाओ, आप अपने घर की रोटी खाओ। मेरे को तो लगता नहीं ये जो मैगी है ये बढ़िया बनी होगी, बाकी इसके अंदर है एकदम बदबू सी आने लगी, जैसे जलती है ना कोई चीज़ वैसी आने लगी। तो ये बन गई हमारी मैगी, अब इसको हम खाएंगे, और ये पड़ी है इसको अगर भूख लगेगी तो खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे। बाकी हमने रसोई जो है वो पूरी खिंडा दी, एक यहाँ पे छिलके वगैरह पड़े हैं ऐसे ही खिंडा दी हमने पूरी रसोई, और ये हमने बनाई है आखिरी का। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं कल, तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना, बाय।